तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल। मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं मुंबई कर निखिल और यूआईसी के ड्रामा के बारे में। तो अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है। सो कल मैंने यूआईसी के कमेंट्स पढ़े थे, आज मैं मुंबई कर निखिल का एक रिप्लाई दिखाने वाला हूं एक कमेंट का। उनके लेटेस्ट पोस्ट में किसी ने कमेंट किया, ब्रो यूआईसी वॉज राइट, यू आर लूजिंग योर जेन्युइन नेचर एंड बिकमिंग मोर ऑफ अ एडवर्टाइजमेंट कंपनी। वी मिस द ओल्ड निखिल, नाउडेज योर व्लॉग्स आर मोर ऑफ अ प्रमोशन टू वन और अदर ब्रांड्स। वी कैंट फाइंड दैट कनेक्ट विच वी यूज्ड टू हैव अर्लियर विद योर व्लॉग्स। आई एम नॉट अ हेटर निखिल, आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट know what I feel as your old subscriber। मोमेकर निखिल ने इसका रिप्लाई दिया, एक सच बात बोलूं भाई, सबको वही करना है जो मैं कर रहा हूं। एंड इफ यू आर पीसफुल थिंक अबाउट इट, आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई नेवर प्रमोट एनीथिंग रॉन्ग, एंड कॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय सब्सक्राइबर्स आई एम वेयर एवरी यूट्यूबर वांट्स टू बी, दिस इज माय जॉब एंड आई एम डूइंग इट परफेक्टली, सो व्हाट इफ आई प्रमोट। आई नेवर प्रमोट वल्गैरिटी और चीप थंबनेल्स विद एनी गर्ल्स ऑन इट, राइट? एंड डू यू नो हाउ मेनी ब्रांड्स आई हैव पुल्ड इन फॉर ऑल यूट्यूबर्स, मेनी, यू आर वेलकम। तो यूआईसी और मोमेकर निखिल के बीच में ऐसा क्यों हुआ, फुल स्टोरी मेरे को पता है भाई, मैं बता दूंगा आपको जल्दी। लेकिन उससे पहले मुंबई कर निखिल का मैं स्टोरीज आपको दिखा देता हूं, उन्होंने कुछ और भी लिखा था उनके स्टोरीज में, तो चलिए देख लेते हैं उनके स्टोरीज। उन्होंने लिखा, चलो एक सवाल करता हूं, बस ऐसे ही मूड आया, व्हाट इज मैच्योरिटीज, प्रॉब्लम का तमाशा बनाना और साइलेंटली हैंडल करना। एंड फिर उन्होंने लिखा, अपनी पब्लिक स्मार्ट है। सो गाइस आई एम नॉट 100% श्योर कि ये स्टोरीज यूआईसी को लेके है, किसी और को भी लेके हो सकता है। एंड फिर रिसेंटली उन्होंने अपने एक व्लॉग में ये कहा था, लेट्स टॉक अबाउट सम लाइफ अपडेट। निखिल भाई लाइफ में क्या हो रहा है? वेल, लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, काफी लोग है पंगा हो रहा है जिन लोगों के लगा था कि अच्छी दोस्ती रहेगी, बट देन दिस इज लाइफ एनीवेज, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स टॉक अबाउट सम गुड थिंग्स। अगेन आई एम नॉट 100% श्योर कि ये यूआईसी को लेके ही बोल रहे हैं। तो चलिए अब फुल स्टोरी के बारे में बात करते हैं मुंबई कर निखिल और यूआईसी का। तो कल जो मैंने वीडियो डाला था उसके नीचे योर इंडियन कंज्यूमर खुद ही कमेंट किए थे, आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ आर अपैरल ब्रांड, उम्मीद नहीं जिद होनी चाहिए। अ ह्यूज प्रोटीन ब्रांड इज इमेंसली इंस्पायर्ड बाय अस एंड इज एक्सटेंसिवली मार्केटिंग इट एज इफ इट वॉज देयर ओन आइडिया। दे हैव इवन रजिस्टर्ड अ ट्रेडमार्क इन क्लास 25 एंड सो हैव वी, सो दे हैव जिद्दी एंड वी हैव जिद। इट सो हैपेंड दैट दे यूज माई सो कॉल्ड फ्रेंड टू मार्केट इट एंड ही रीडिली अग्रीड। How would you feel if your friend did such a thing just for some money? We are just defending ourselves now. Real fun shall begin when we start attacking. So yeah, इसके बाद आपको तो पता चल गया होगा full background story की क्यों ऐसा हो रहा है। So yeah, देखते हैं आगे कुछ होता है कि नहीं, अगर तो होगा तो मैं अपने चैनल में जरूर अपडेट करूंगा इसके बारे में, stay tuned। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं उत्सव मार्तोलिया के बारे में। तो उन्होंने अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया, गन प्रैंक गॉन रॉन्ग, अरेस्टेड प्रैंक्स इन इंडिया। इस वीडियो में वो दिखाते हैं कि वो एक प्रैंक कर रहे थे, गन प्रैंक, एंड एक बंदे को जिसको वो प्रैंक कर रहे थे वो गुस्सा हो गए थे थोड़े, तो वो पुलिस को बोल दिया थे, कंप्लेंट हो गया था उनके अगेंस्ट। तो कम से कम 20-25 पुलिस आ गए थे प्रैंक जहां हो रहा था। इट वॉज रियली क्रेजी, आप खुद देख सकते हैं उन्होंने क्या। 15 मिनट्स हो गए तो कम से कम हमारे पास 20 या 25 पुलिसमैन आ गए, तो हम थोड़े डर गए। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी इतनी छोटे से प्रैंक की वजह से इतनी पुलिस आ गई है, देख लो। एक इतनी सी गलत, भाई सही बताऊं तुम्हें, अगर तुम ये प्रैंक कर रहे हो ना मत करना भाई। उसके बाद कम से कम हाफ एन आवर के बाद इंस्पेक्टर सर आए, तो हमने उनसे बात करी तो थोड़ा मैटर क्लोज हुआ, थोड़ा वो गुस्से में थे। हमने उन्हें थोड़ा बताया कि हम ऐसे ऐसे करते, तो वो थोड़े शांत हो गए, तो उनको लगा कोई बात नहीं, फिर उनने बोला कि अगली बार ऐसा मत करना। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजेंड फिक्की ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन डूड परफेक्ट ने कंप्लीट कर चुके हैं 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आदि के माइंड्स को मिल चुका है अपना सिल्वर प्ले बटन, एंड टेक्निकल बॉस को मिल चुका है अपना सिल्वर एंड गोल्ड प्ले बटन बोथ। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले केसी नाइस्टैट के बारे में। तो उन्होंने कल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया, द प्रेशर ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर। उसमें किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या वो कोलैब करेंगे प्यूडीपाई, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद देख सकते हैं। Would you do a collab with PewDiePie? Yeah, Felix, call me. Let's do a collab. I can do better. सो ये अगर तो एक कोलैब हुआ तो बहुत मजा आने वाला है। तो चल दोस्तों आजकल बस मेरे पास इतना न्यूज है। आई नो वीडियो थोड़ा छोटा था क्योंकि मैंने एक दिन शॉर्ट वीडियो डाला था, अबाउट 4-5 स्टोरीज थे उस वीडियो में, एंड वो बहुत लोगों को पसंद आया। उन्होंने कहा कि शॉर्ट वीडियोस भी बनाओ यार, उसमें भी बहुत मजा आता है। सो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस भी बनाने का। सो अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, आज का लाइक हम रखते हैं 8,000 लाइक्स। आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना। ऑल्सो अगर आपको मेरे को न्यूज सेंड करना है तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके वहां मेरे को न्यूज सेंड कर दो। एंड अगर आप वो पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूं पूरे YouTube कम्युनिटी के बारे में कि भाई क्या चल रहा है इधर। सो दिन के कुछ मिनट निकाल के मेरे वीडियोस देख लोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा यार। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।